नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास एंशियंट हिस्ट्री के प्रश्नों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये सीरीज चल रही है 900 प्रश्नों की और इसका ये पार्ट टू है जिसमें मैं आपको आज 90 क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। और इससे पहले की वीडियो में पार्ट वन मैंने उसमें बता दिया, उसमें मैंने 90 प्रश्न जो है आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए क्वेश्चन नंबर एक लिखा हुआ है हमारा, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? इसका उत्तर क्या है? 78 ईस्वी में। ठीक है, तो कब हुए? 78 ईस्वी में हुए। दूसरा नंबर हमारा है, शक संबत किसने और कब शुरू किया था? कनिष्क ने शुरू किया था, कब किया था? 78 ईस्वी में। ठीक है, कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन सा था? तो कौन था? ये कनिष्क था। ठीक है, किसका था? बौद्ध धर्म का संरक्षक। चौथा देखिए लिखा हुआ है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। पांचवा हमारा है, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम क्या है? गांधार। याद रखिएगा आप लोग, गांधार शैली। ठीक है, छः नंबर हमारा लिखा हुआ है, कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? नागार्जुन और अश्वघोष। नागार्जुन और अश्वघोष थे। सातवां है, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो किस वंश के थे? कलिंग वंश के। ठीक है, आठवां देखिए आप लिखा हुआ है कि सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, सातकर्णी। नवा लिखा हुआ है कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, याद रखिएगा, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। इसके बाद देखिएगा, दस नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्त शासक ने स्थापित किया था जंग रहित लौह स्तंभ। ग्यारह नंबर देखिए, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, बारह नंबर लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस अन्य नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से। विक्रमादित्य नाम किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। तेरह नंबर, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे लुप्यक। ठीक है, याद रखिएगा, लुप्यक। चौदह नंबर देखिए, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को कहते थे, लिच्छवी दौहित्र। पंद्रह नंबर, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो हूणों द्वारा। ठीक है, हूणों के द्वारा। सोलह नंबर देखिए, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? समुद्रगुप्त विख्यात है। ठीक है, समुद्रगुप्त विख्यात है। सत्रह नंबर देखिए क्या लिखा है, सत्रह नंबर है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग क्या था? गुप्तकाल। ठीक है, गुप्तकाल स्वर्ण युग था इसका। और देखिए अठारह नंबर लिखा हुआ है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सोने के सिक्के जारी किए गए थे, सोने के सिक्के थे। 19 नंबर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? 319 ईस्वी में। ठीक है, 319 ईस्वी में शुरू किया गया था। और देखिए 20 नंबर लिखा हुआ है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियाँ वर्णित हैं? समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ वर्णित हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त की। इसके बाद देखिए 21 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़िएगा क्या लिखा है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? उत्तर लिखा हुआ है, हरिसेन ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख बनवाया था। 22 नंबर, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था फाहियान। 23 नंबर देखिए, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा ने किया था। देखिए किसने किया था? विष्णु शर्मा ने किया था। 24 नंबर है, मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। ठीक है, तो कालिदास किसका लेखक है? मेघदूत का लेखक है। 25 नंबर, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। ठीक है, 26 नंबर लिखा है, वराह मिहिर थे। वराह मिहिर कौन थे? एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर थे। 27 नंबर देखिए, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त के शासनकाल के दौरान। ठीक है, गुप्त के। 28 नंबर, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए? अरिक मेड़ू। तो याद रखिएगा कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कौन था? अरिक मेड़ू था। ठीक है, 29 नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, एलोरा में गुफा एवं सिलोतकर्णी मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? बौद्ध हिंदू और जैनों का। ठीक है, बौद्ध हिंदू और जैनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 30 नंबर है, चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया था? विजयालय ने किया था। ठीक है, किसने किया था? विजयालय ने। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा रहा है। ठीक है, देखिए फिर से एक नंबर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, लिखा हुआ है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? राजेंद्र चोल। ठीक है, राजेंद्र चोल था इसका।
दूसरा है अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? शिव, ठीक है, शिव को समर्पित हैं। तीसरा हमारा है राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन से थे? मान्यखेट। चौथा देखिए क्या लिखा हुआ है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किसने किया था? कृष्ण फर्स्ट ने किया था। पाँचवा देखिए क्या लिखा हुआ है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। ठीक है, कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है, ये कैलाशनाथ मंदिर है। अगला देखिए छः नंबर लिखा हुआ है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदू बौद्ध और जैन के। ठीक है, हिंदू बौद्ध और जैन के। सातवां है महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों के द्वारा। ठीक है, पैगोडा पल्लवों के द्वारा। आठवां है हमारा किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? महेंद्र वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में। ठीक है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के। नौ नंबर देखिए, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? वातापी के चालुक्य वंश का। ठीक है, वातापी के चालुक्य वंश का। दस के बाद देखिएगा, नौ के बाद दस नंबर हमारा है, दस नंबर में क्या कह रहा है कि रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था इन्हें। ठीक है, ग्यारह नंबर देखिए, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। बारह नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ। किसका? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण। ठीक है, तेरह नंबर है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? राजराज प्रथम ने। चौथा नंबर, उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चोल के। ठीक है, चोल के शासन प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है किससे? उत्तर मेरूर शिलालेख से। पंद्रह नंबर है, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? राजेंद्र प्रथम ने किया था। सोलह नंबर देखिए, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? रामेश्वरम में है, रामेश्वरम में स्थित है। सत्रह नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? तो देखिए, राष्ट्रकूट के संरक्षण में किया गया था कैलाश मंदिर का निर्माण। अब देखिए इसके बाद अट्ठारह नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। याद रखिएगा आप लोग, 1900 चोल राजाओं का शासन था किस पर? तमिलनाडु पर था। ठीक है, चोल राजाओं का शासन। 20 नंबर, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उदयपुर, उदयपुर में थी। 21 नंबर, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में किया गया है। 22 नंबर है, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमदेव ने लिखी थी, याद रखिए कथा सरित सागर। 23 नंबर, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? कौन थे? बिल्हड़। कौन? विक्रमांक देवचरित के लेखक, ठीक, बिल्हड़। अगला है, हर चरित के लेखक कौन थे? बाण भट्ट। 25 नंबर, एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक कौन था? बाण भट्ट। तो याद रखिएगा कि हर चरित बाण भट्ट, कादंबरी बाण भट्ट। ठीक है, 26 नंबर है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तेजपाल ने बनवाया। ठीक, किसने बनाया था? तेजपाल ने बनवाया था। और इसके बाद देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 27 नंबर, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। 28 नंबर, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार कुल से संबंधित है। 29 नंबर देखिए, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? भोज, जिसका नाम क्या था? मिहिर भोज। ठीक है, 30 नंबर देखिए, ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। ठीक है, हर्षवर्धन के। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, नंबर एक से स्टार्ट जैसे, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? ह्वेनसांग था उसका नाम, ह्वेनसांग। दो नंबर है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे प्रदान किया गया था? ह्वेनसांग को प्रदान किया। ठीक है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। तीन नंबर है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित। ठीक है, बिहार में स्थित है। चार नंबर है, श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में चार मठ स्थापित किए थे किसने? आदि शंकराचार्य ने स्थापित किए। ठीक है, कहाँ कहाँ? श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में। नंबर पाँच देखिए क्या लिखा हुआ है कि अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। छः नंबर देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। सात नंबर क्या है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। आठ नंबर, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था।
नौ नंबर हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ पर थी? थानेश्वर में थी। और दस नंबर हमारा है 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किसने किया था? प्रतिहारों ने अरबों को पराजित कर दिया था। इसके बाद देखिएगा 11 नंबर आपके सामने आ गया है, बताना है देखिए कि कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? सूर्य देवता। ठीक है, कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? सूर्य। 12 नंबर है सांची का महानतम स्तूप कहाँ पर है? स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सांची का महान स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 13 नंबर है कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया, जैन धर्म को संरक्षण दिया था। 14 नंबर है सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। और देखिए 16 नंबर है हमारा, 16 नहीं देखिए इसके 15 नंबर है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पराजित किया। किसे? तराइन की दूसरी लड़ाई में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और अगला हमारा है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? ठीक है, तो देखिए क्या है, तराइन और तराइन के युद्ध में हराया था। और कब? 1192 ईस्वी में। ठीक है, 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में हराया था। 17 नंबर है किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तराइन की दूसरी लड़ाई ने। ठीक है, 18 नंबर देखिए दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ था? 1206 ईस्वी में। 19 नंबर है अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा। 20 नंबर कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया। ठीक है, कुतुब मीनार। 21 नंबर देखिए दिल्ली की सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, बलबन। 22 नंबर है दिल्ली सुल्तान का सल्तनत का उद्धारक कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा 23 नंबर आपके सामने आ गया है, लिखा हुआ है नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। 24 नंबर चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश। 25 नंबर प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? बलबन ने किया था नौरोज का प्रवर्तन। 26 नंबर चहलगनी या फोल्टी के रूप में विख्यात टर्की शामंतों के शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो बलबन था। ठीक है, फिर से पढ़िए एक बार, चहलगनी या फोल्टी के रूप में विख्यात टर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाले का नाम क्या था? बलबन। 27 नंबर रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अल्तमश, मतलब इल्तुतमिश की बेटी। ठीक है, इल्तुतमिश जिसका नाम था अल्तमश की बेटी थी। 28 नंबर वे दो वंशज कौन से थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो गुलाम और तुगलक थे। 29 नंबर दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तुर्क थे। और 30 नंबर है स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर शानी कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रकार से हमारे 90 क्वेश्चन हल हो चुके हैं 33 करके 3 बार में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये भाग दो था, अगर आपने इससे पहले भाग एक नहीं देखा है तो उस भाग को भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद मिलते हैं भाग 3 में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।